नीमा डाकघर में कार्यरत एक पोस्टमैन की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वे अपने कमरे में मृत पाए गए। मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। नीमच के डाक विभाग में कार्यरत पोस्टमैन हंसालाल ढारे की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वे बेधड़क बिल्डिंग में किराए से रहते थे। कुछ समय से बीमार चल रहे थे। अचानक वे अपने कमरे में मृत पाए गए। मौके पर सूचना मिली तो डाक विभाग के साथी कर्मचारी पहुंचे और उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई या अन्य कारणों से यह पता नहीं चल पाया है। पोस्टमैन हंसालाल ढारे मूलतः बालाघाट के रहने वाले हैं, इसलिए उनकी डेड बॉडी को फ्रीजर में रख दिया गया है। अब उनके परिजन के आने पर डेड बॉडी को सौंपा जाएगा। डाकघर नीमच में पोस्टमैन की पोस्ट से थे और बेधड़क बिल्डिंग में रहते थे। और इनको ये डाक बांटने का कल मेरे पास आए थे, दिन में 11 बजे करीब इन्होंने बताया था कि मेरी तबीयत मतलब मेरे सीने में कुछ दर्द हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई छुट्टी जाओ, डॉक्टर पास चले जाओ। तो ये डॉक्टर पास निकल गए। उसके बाद मैंने दो पोस्टमैन जो मेरे यहाँ, एक तो भूपेंद्र विट्ठल, एक योजवेंद्र सैनी, दोनों को मैंने देखा था कि देखो तो कहीं कैसे क्या। वो देखने भी गए थे, ये कमरे पे थे। इन्होंने कहा मेरी तबीयत में कुछ ठीक है, कुछ टेबलेट वगैरह लेके आए थे। उसके बाद फिर हमें कोई जानकारी नहीं। फिर आज सुबह मेरे को जानकारी मिली कि वो कमरे में, जिस कमरे में रहते हैं वहाँ उनका कमरा खुला नहीं है। फिर मैं 9:30 बजे ऑफिस, जबकि 10 बजे का ऑफिस, 9:30 बजे आके 9:15 बजे मेरे स्टाफ को सबको बुला लिया, जो मेरे साथ जो जूनियर है उन सबको, ताकि क्या है कि भाई सही मिलके। और सुबह से हम फिर लगे हुए इसमें। फिर जाके हमने देखा, फिर पोस्ट पुलिस में शिकायत करी, कंप्लेन लिखवाई और देख के मैं अभी डेड बॉडी को यहाँ ले आए हैं। बस क्या क्या